हेलो, मैं आज आपको शुरू करने जा रहा हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन न्यू चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टिश्यू आता है और कुछ एनिमल्स आते हैं। टिश्यू क्या है? पहले टिश्यू का डिफिनेशन देखेंगे। टिश्यू क्या है? व्हाट इज टिश्यू? कोई आपसे पूछे टिश्यू क्या है? सेम टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, सेम टाइप ऑफ सेल्स विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। कार्ड टिश्यू एक ही प्रकार की सेल हो, एक ही प्रकार के फंक्शन करे, लेकिन किसके साथ? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। दूसरा डिफिनेशन है ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन, ओरिजिन एंड फंक्शन कार टिश्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हो। सीक्वेंस इवेंट्स का जो सीक्वेंस है, ये है सेल, सेल्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, फॉर्म क्या बनाता है? ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हैं ना? ऑर्गेनिज्म को बनाता है। देखिए, सेल सेल का समूह क्या बनाता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म। बात समझ रहे हैं ना? और ऑर्गेनिज्म के लिए ये सब ऑर्गन होना जरूरी है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग बनाया, तो किसने बनाया? टिश्यू ने। जब सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे? ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? एक अपना पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना? इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। टर्म टिश्यू वॉज गिवन बाय टर्म टिश्यू वॉज गिवन बाय
बाइकॉट, टर्म टीसी वाज गिवन बाय बाइकॉट, बाई चार्ट इनको याद करिएगा तब वो याद हो जाएगा, बाई चार्ट। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? यही है बेचारे, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? इज बाइकॉट, ये बाइकॉट है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? बाइकॉट। और ये बायोलॉजी की वह शाखा का हो तो सरिया बताओ, सरिया लो आराम से रख दो, कोई से कॉपी कर दिए। अब देखो जिसके अंदर हम टिश्यू का अध्ययन करते क्या कहते हैं उसको, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर हम टिश्यू का अध्ययन करते क्या उस ब्रांच को क्या कहते हैं? कुछ सरिया में गायब हो जाएगी तो तब हो गए। बायोलॉजी की वह शाखा द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट टिश्यू कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट वी स्टडी अबाउट किसके विषय अध्ययन करते हैं? इन विच वी स्टडी अबाउट टिश्यू कॉल्डेज, क्या कहते हैं उसको हम? कॉल्डेज हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद एनिमल, ये एनिमल टिश्यू पढ़ा रहे हैं हम, किसकी बातें चल रही हैं यहाँ पे? एनिमल टिश्यू नहीं, आपको समझ प्लांट टिश्यू पढ़ा रहे हैं क्या सर जी? लग रहा है एनिमल टिश्यू है ये। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये चैप्टर का नाम ना? अच्छा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, भाई इन एनिमल प्लांट की बात नहीं हो रही है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो सबसे पहले मैंने बताया था, देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन सिमिलर इन फंक्शन कॉल्ड एज टिश्यू, या सेम टाइप ऑफ, ये सब नहीं है, ये सेम जान दिएगा, सेम टाइप ऑफ सेल्स विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन, एक ही प्रकार का फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे, एक ही प्रकार के सेल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं। या ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड सिमिलर इन फंक्शन कॉल्ड एज टिश्यू, हो गया। अब इसके बाद सेल जो होता है टिश्यू बनाता है, टिश्यू आर्गन बनाता है, आर्गन आर्गन सिस्टम बनाता है, आर्गन सिस्टम क्या बना लेता है? ऑर्गेनिज्म, बोलिए ना, आर्गन सिस्टम क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म बनाता है जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, डाइजेशन के साथ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के साथ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के साथ ब्लड सर्कुलेशन, सब चलता रहता साथ मिल करके, नर्व कंडक्शन, मस्कुलर कंट्रैक्शन, सब चलता रहेगा साथ साथ। अगर मसल्स कंट्रैक्ट नहीं करेंगी तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगा, अगर मसल्स मूवमेंट नहीं करेंगी तो हमारा लंग ऊपर नीचे नहीं होगा, श्वसन नहीं कर पाएंगे, मसल्स की बात हो गई। अगर न्यूरॉन सिग्नल नहीं भेजेगा तो प्रोसेस होगा नहीं, एब्जॉर्प्शन होगा तो कहाँ होगा? ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट करेगा, उसमें कुछ एक्सक्रीटरी पाउडर भी आएंगे, एक्सक्रीटरी पाउडर को फिल्टर करा देगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, तो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं,
बोलिए न यार, हाँ है, देख रहे हैं आँख देखने के लिए है, लेकिन उसके साथ कौन कनेक्ट है? न्यूरॉन, न्यूरॉन से कनेक्ट है और उसके साथ मसल्स भी कनेक्ट हैं, तब आपकी आँख पुतली ऊपर नीचे हो रही है। बात समझ रहे हैं? उसके लिए एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज दे, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होकर एनर्जी कहाँ जा रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज जा रहा है आपके सेल में, कौन सेल में? रेड सेल, कौन सेल? वहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज करने वाली कौन सेल होंगी? ऑक्सीडाइज करने वाली होंगी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, बिना एक दूसरे से कोरिलेट हुए वो काम ही नहीं करेंगे। बात समझे? अब आगे आपको जो देखना है, तो मैंने बताया टर्म टिश्यू वॉज गिवन बाय बाइकार्ट, बाइकार्ट लेकिन बाय चार्ट याद कर लेंगे तो याद रहेगा, चार्ट खाना सबको पसंद है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी ये भी बाय चार्ट ही हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट किसके विषय में? टिश्यू, कॉल्ड हिस्टोलॉजी, उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इस बार जो एनसीईआरटी का सिलेबस आया है उसमें टिश्यू से सब गायब हैं, लेकिन अभी अब मेडिकल वाले ने क्या अभी किया, अभी उसका कोई वो जारी नहीं किया। और इसके पहले आप लोग सिर्फ दो चीज़ पढ़ते थे, सिर्फ आपको पढ़ना था काकरोच, और इस समय सिर्फ आपको पढ़ना है फ्रॉग, जो दे रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, जो नई बुक आ रही है। नई बुक में केवल फ्रॉग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज, केवल फ्रॉग ख़त्म, बाकी टिश्यू से कुछ नहीं है। लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं, अभी देखते क्या गाइडलाइन आती है तो समझ में आ जाएगा कुछ, समझ रहे हैं ना? और नहीं अब कुछ क्लियर नहीं, अर्थवर्म नहीं है, था पहले से ही नहीं था, अर्थवर्म फ्रॉग पहले नहीं था, कौन नए वाले में? केवल फ्रॉग है, केवल फ्रॉग, देख ली नई वाली बुक, एकदम नई बुक में केवल फ्रॉग है जो रिसेंट आया हुआ है। बहरहाल उससे क्या मतलब है, हमको पढ़ाना है, पढ़ा रहे हैं। कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं आपको ये बताना है? चार प्रकार के टिश्यू होते हैं, टिश्यू फोर टाइप्स के होते हैं। तो देखो एक समरी आपको बता दे रहे हैं, एक समराइज लेक्चर, उसमें आपको दिखा दे रहे हैं टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनका मेन फंक्शन होता है, इसमें आपको दिखा रहे हैं। देखिए वैसे आप लोगों का गाइडलाइन आता है इसका क्या है पोजीशन, क्या पढ़ना है आपको, नया वाला पढ़ना है पुराना सिलेबस ही पढ़ना है? बात समझ रहे हैं ना? वैसे मेजॉरिटी में लोग आप जानते हैं नया वाला सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं, नया वाला सिलेबस समझ रहे हैं ना, और नए से चैप्टर है हमें तब नए वाले में एनसीईआरटी दो फेज है, नए वाले एनसीईआरटी में केवल फ्रॉग है और तीन चैप्टर गायब है, 19 चैप्टर हैं, डाइजेशन उसमें से गायब कर दिया है, डाइजेशन नई बुक में नहीं है, ये तो अब पुराना बुक है, और डाइजेशन महज गायब किया, और इधर प्लांट वाले में से दो चैप्टर गायब किया है, और काफ़ी कुछ काट दिया है। ये जो आपका ये है ना, जो पहला चैप्टर है म्यूजियम की, जू, गार्डन, ये सब सब गायब है। बहरहाल अगर आ जाएगा तो हम बता देंगे ऐसा ऐसा करना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ा दिए सर, उसको आप पढ़ते रहिए खाली, तो आपको टाइम कम बच जाएगा, तो उसमें जो चीज़ काफ़ी चीज़ कंठस्थ हो जाएंगी। जाते देखिए आप एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, एक इधर देखिए स्ट्रेटजी बना लीजिए, एक आप स्ट्रेटजी बनाइए, स्ट्रेटजी क्या बनाइए कि आपका 20-22 दिन बाद सब्जेक्ट रिवाइज होने लगे, जब कई बार रिवाइज कर लेंगे और एकदम कंसंट्रेट होकर रिवाइज करिए, उसमें किसी का फ़ोन फाना कट कुट एकदम साइलेंट, पहले फ्लाइट मोड करो मोबाइल फिर पढ़ने बैठो,
न कोई आए फोन आए तो उसका कोई मतलब नहीं है, एकदम फ्लाइट मोड में कर दो। 3-4 घंटा पढ़ना है, बाकी दिन भर ये 4 घंटा रात को पढ़, 3 घंटा सुबह पढ़ लो, बाकी 5 घंटा यहाँ पढ़ लो, हो गया 12 घंटा खुदे उतने में। अच्छा अगर 7-8 घंटा घर पर पढ़ ले रहे हैं काम बन जाए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, रिवीजन बार बार करना है। जब रिवीजन बार बार करेंगे तो कोई जल्दी आसानी से भूलेगा नहीं, जैसे कहानी एक बार सुनते हैं तो आपको याद हो जाता है, वैसे कहानी की तरह पढ़िए, दिमाग में कंसेप्ट बनाइए कैसा ऐसा होता है, और उसको थोड़ी देर बाद याद करिए, उसको किताब को रख दीजिए, किताब को रखने के बाद तब याद करिए देखिए मैंने क्या पढ़ा था, उसमें कुछ भूल रहा है क्या, आप किताब बंद कर दीजिए, उसके बाद याद करिए देखिए क्या क्या याद किए थे, उसमें क्या आ रहा है क्या रहा है क्या रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले बार NCERT पढ़ेंगे तो आपको 50% क्वेश्चन सॉल्व होगा, दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो 70% हो जाएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो 80% हो जाएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो 90%। आंसर की मत देखो, पहले NCERT पढ़ो फिर आंसर की देखो, आंसर तब मिलेगा आपको, आप पढ़कर तब क्वेश्चन की तरफ जाओ, क्वेश्चन से आप पढ़ने की तरफ मत आओ, नहीं पूरी NCERT आपको 3-4-5 बार रिवाइज पहले कर लीजिए, तब उसके बाद आप चलिए मारपीट करिए पढ़ने के लिए, पढ़ो पढ़ाई पढ़ने को, लड़ो लड़ाई पढ़ने को। बात समझ में आई? ये देखो अब इसमें आपको 3 बातें बता रहे हैं, एक टाइप्स ऑफ टिश्यू, ओरिजिन और ये फंक्शन, ये एक कंसेप्ट है दिमाग में डालने वाला। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, ये कैसा भी हो सकता है, एक्टोडर्मल, मीसोडर्मल, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल ओरिजिन हो सकता है, मीसोडर्मल ओरिजिन हो सकता है, एंडोडर्मल ओरिजिन हो सकता है, एपिथेलियल टिश्यूज। क्या करता है ये, सरफेस कवरिंग बनाता है, क्या बनाता है, फंक्शन इसका पहला काम होता है इसका सरफेस कवरिंग, इंटरनल आर एक्सटर्नल, सरफेस कवरिंग बनाएगा इंटरनल आर एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन, इंटरनल ORR एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, हो गया, सिक्रेशन में काम आता है, पहले एक कंसेप्ट जरूर लिख लीजिएगा इसको, सिक्रेशन के लिए काम आता है, अभी बताएं कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन के काम आता है, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन पे काम आता है, प्रोटेक्शन के भी काम आता है, नहीं ऐसा करो इसको रहने दो, प्रोटेक्शन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन के काम आएगा, प्रोटेक्शन तो करता ही है, प्रोटेक्शन। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यूज, अभी सब बताएं कैसे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज देखिए कैसा होता है, ये
कनेक्टिव कैसा होता है, मीसोडर्मल एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, मीसोडर्मल ओरिजिन, मीसोडर्मल इन मीसोडर्मल इन ओरिजिन हो गया, मीसोडर्मल इन ओरिजिन। इसका काम क्या होता है, स्टोरेज सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज सपोर्ट ट्रांसपोर्ट और डिफेंस ऑफ द बॉडी। तीसरा है मस्कुलर टिश्यूज, ये भी कैसा है, मीसोडर्मल इन इन ओरिजिन। कैसा होगा ये काम करेगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चौथा है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल ओरिजिन है। कैसा है ये, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्या करता है ये, कोऑर्डिनेशन, एंड सेंस या कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटी के कम खुला जाएगा, वो कोऑर्डिनेशन ऑफ इसी में सब आ जाएगा, बॉडी एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटी। हुआ, इसको एक आप लाइन पहले एक दिमाग में एक कंसेप्ट बना लीजिए, क्या क्या फंक्शन, क्या क्या काम इसका। हो गया, अब देखिए आप इधर देखिए, एपिथेलियल टिश्यूज देखो जरा, एपिथेलियल टिश्यूज आपके स्किन के ऊपर है, ध्यान दीजिए, स्किन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सरफेस कवरिंग बनाया है ना, बक्कल एपिथेलियम, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, एक्सक्रीटरी एपिथेलियम, ग्लैंड का एपिथेलियम, समझ रहे हैं ना, सारे एपिथेलियम जो होंगे वो सरफेस कवरिंग ही बनाएंगे, बोलिए ना, सरफेस कवरिंग बनाए, चाहे एक्सटर्नल बॉडी आर्गन हो चाहे इंटरनल। एक्सटर्नल बॉडी आर्गन में जैसे स्किन है तो स्टेटम कॉर्निया मृत लेयर पाया तो वो प्रोटेक्शन भी करता है, बहरहाल इसमें नहीं लिखा लेकिन आप जानते रहिएगा। सिक्रीशन का काम करता है, ग्लैंड होंगी चाहे मेमोरी ग्लैंड हो, चाहे सीबेसियस ग्लैंड हो, चाहे स्वेट ग्लैंड हो, चाहे एंडोक्राइन ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड अगर होगी आपकी बॉडी में, स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, सालिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाज या गैस्ट्रिक ग्लैंड जो भी हैं, सब क्या होंगी, एपिथेलियल लाइनिंग से ही बनी होंगी। अभी समझा दें कैसे होगा, जब
एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाएंगे ना, ये देखो ऐसे एक एक खाली एक पैरा बताएंगे ऐसे, हाँ सुने यार, एक पैरा ऐसे बनाएंगे उसी में से तीन चार टू लाइन खींच देंगे उसी में सब हो जाएगा और क्वेश्चन भी सब आपका सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसा सिक्रीशन का काम करता है ये, एक्टोडर्मल ओरिजिन हो सकता है मेसोडर्म या एंडोडर्मल, सिक्रीशन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। जैसे इंटेस्टाइन के एपिथेलियम है, इंटेस्टाइन की एपिथेलियम वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, करता है ना एब्जॉर्प्शन काम इंटेस्टाइन एपिथेलियम, रीएब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन के कोई पार्ट होंगे वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो रीएब्जॉर्प्शन का भी काम करता है ये। प्रोटेक्शन का काम, स्किन है तो प्रोटेक्शन भी का भी काम करेगा। ये होगा किसके विषय में बातें, इधर देखिए ये हो गई बातें एपिथेलियल टिश्यूज के विषय में, किसके विषय में, एपिथेलियल टिश्यूज के विषय में, ठीक। दूसरा जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज है, दूसरा कौन है, कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, कैसे होती है मेसोडर्मल ओरिजिन, इसका काम होता है स्टोरेज करना, क्या करना, स्टोरेज, स्टोरेज मतलब जैसे आप ध्यान दीजिए स्किन है, एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज में क्या है, एडिपोज टिश्यूज हैं जिसको बोलते हैं फैट डिपार्ट्स, वहाँ फैट का एक्युमुलेशन होता है, किसका एक्युमुलेशन होता है, फैट का एक्युमुलेशन होता है। तो स्टोरेज का काम हो गया, बोलिए ना, जो आप इलास्टिसिटी देख रहे हैं इसमें, इधर देखिए जो आप खींच रहे हैं ये इलास्टिसिटी आपकी स्किन स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये इलास्टिसिटी कोलेजन इलास्टिन के कारण है, सब ये प्रोटीन है स्पेसिफिक टाइप की, कोलेजन और इलास्टिन तब ऐसे खींचा रहा है इतना तेज, समझ रहे हैं ना। और जो फैट का एक्युमुलेशन हो जाता है, ज़्यादा फैट होगा तो ज़्यादा मोटी स्किन होगी, समझ रहे हैं ना, आप स्किन देखें तो ज़्यादा मोटी हो जाएगी क्योंकि फैट के एक्युमुलेशन कारण, किसके एक्युमुलेशन कारण, फैट के। ये देखिए स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज होंगी कनेक्टिव टिश्यूज में, और वो क्या करेंगी, फैट का एक्युमुलेशन करेंगी, तो किसका काम करेगा, स्टोरेज का। दूसरा है सपोर्ट, आपकी बॉडी में स्केलेटन है, बोन है ना, बोन इसी में आता है कनेक्टिव टिश्यूज में, बोन, तो स्केलेटन है वो सपोर्ट आप कर रहा है, क्या कर रहा है वो, सपोर्ट, वो आपको बता चुके हैं। बोन टू बोन जोड़ने के लिए होती है लिगामेंट, बोन टू बोन बीएलबी, याद आ रहा है बीएलबी, बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू टेंडन, सॉरी बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स कौन, टेंडन, मसल्स को बोन्स जोड़ने वाली कौन होगी, टेंडन, मैं आपको बता चुका हूँ बीएलबी बीटीएम, समझ रहे हैं ना। आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो सपोर्ट भी हो गया आपका। तीसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा कौन है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में जैसे आपको बता रहा हूँ ब्लड है, ब्लड का काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में। ग्लूकोज कौन पहुँचाता है पूरे बॉडी सेल में, ग्लूकोज कौन पहुँचाता है, ब्लड, ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है, ब्लड, मिनरल कौन पहुँचाता है, ब्लड, हार्मोन कौन पहुँचाता है, ब्लड, पूरे बॉडी के ब्लड में जो है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ही ऐसा एक सिस्टम है जिसके द्वारा पूरे किसी भी सबस्ट्रेट को, किसी भी सबस्टेंस को, एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल हो, उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए आपकी ब्रेन की सेल को चाहिए ग्लूकोज, तो यहाँ से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर ब्रेन में जाएगा, आपकी मसल सेल को चाहिए ग्लूकोज वहाँ दे देंगे, वो ग्लूकोज जो होगा ब्लड के थोड़ा कहाँ जाएगा, ब्लड के थोड़ा पूरे सेल में जाएगा। ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट, बोलिए इसके अलावा डिफेंस ऑफ द बॉडी, इसके अलावा क्या है, डिफेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को डिफेंस करने के लिए, बॉडी क्या करने के लिए, डिफेंस करने के लिए, डिफेंस ऑफ द बॉडी। आप देखो डिफेंस कैसे करेगा, क्योंकि ब्लड में ही आपके होते हैं ल्यूकोसाइट WBCs, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस, बोलिए ना, वो सब कनेक्टिव टिश्यूज में होती है, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज में आती है, टिश्यू कनेक्टिव टिश्यूज में होती भी हैं, वो क्या करती हैं,
ब्लड में आपके ल्यूकोसाइट हैं, WBCs जिसको बोलते हैं, वो WBCs आपकी बॉडी का डिफेंस करते हैं, आपके बॉडी का डिफेंस करते हैं। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सभी आपको, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ब्लड सर्कुलेशन के चैप्टर में आप देखिएगा, जिसमें मैं पढ़ाया हुआ हूँ कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ये दोनों मैक्रोफेज होती हैं, फैगोसिटिक इन नेचर, जो दूसरे पैथोजन को क्या करती, खा जाती हैं। पैथोजन अगर हमारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में घुसा तो मैक्रोफेज बैक्टीरिया क्या करेंगे, खा जाएंगे, समझ रहे हैं ना, ख़त्म कर डालेंगे। दूसरी बात मैं बता रहा था इसमें, वो भी जान लीजिएगा, ये डिफेंस सिस्टम है लिम्फोसाइट और मोनो, इधर देखिए लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये भाई आपको इम्यूनिटी पढ़ाया जाएगा, वो भी मैं हल्का सब आपको बता चुका हूँ। टी लिम्फोसाइट CMI के लिए होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए होता है। मोस्ट वायरुलेंट पैथोजन जो होते हैं उसके प्रति एंटीबॉडी बनती है, एक एंटीबॉडी एक प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है पैथोजन को रिप्लिकेशन में उसको जो है ग्रोथ नहीं करने देता है, बात समझ रहे हैं ना, इसको जानते रहिएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो डिफेंस ऑफ द बॉडी भी हो गया, बॉडी का डिफेंस भी करने के लिए होते हैं, हो गया। तो पहला है स्टोरेज सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज है सपोर्ट है ट्रांसपोर्ट है, और डिफेंस ऑफ द बॉडी, ये ट्रांसपोर्ट के बाद डिफेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी की सुरक्षा के लिए भी, बात समझ में आई। ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और क्या करता है ये कनेक्टिव टिश्यूज, एक दूसरे से जोड़ता भी है, बात समझ रहे हैं ना, पूरी बॉडी को कनेक्ट भी करता है कनेक्शन के लिए, तो कनेक्टिव टिश्यू नाम कनेक्शन के लिए होगा ही। तीसरी बात है मस्कुलर टिश्यूज, तीसरी बात किसके विषय में, मस्कुलर टिश्यूज, ये मस्कुलर टिश्यूज होते हैं मीसोडर्मल ओरिजिन होते हैं, कैसे होते हैं मीसोडर्मल ओरिजिन, ये क्या करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मूवमेंट मतलब जैसे हाथ पैर का ये कर रहे हैं ये मूवमेंट है, समझ रहे हैं ना, जैसे डांस लोग करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डांस करते हैं वो मूवमेंट है, लेकिन अगर एक स्थान दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, अगर कोई एक जगह खड़ा होकर ऐसे कर रहा है तो क्या है मूवमेंट, लेकिन अगर कोई क्या कर रहा है उछल के यहाँ उछल के वहाँ उछल के वहाँ उछल के द्वीप काम कर रहा है, वो लोकोमोशन भी कर रहा है और मूवमेंट, अरे यहाँ से उछल के वहाँ गया शिफ्ट कर गया, लोकोमोशन का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करना शिफ्ट हो जाना, एक स्थान दूसरे स्थान तक जाना, ये क्या है लोकोमोशन, चलन प्रचलन कहते हैं इसको, प्रचलन मतलब चलना, जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये जाना क्या है लोकोमोशन है, ठीक है, और जो अपना हाथ हिला के अपना मुँह हिला के ये कर रहे हैं तो ये मूवमेंट है, ये क्या है मूवमेंट है, बात समझ में आ रही है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए मस्कुलर सिस्टम। अगर इधर देखिए हाथ यहाँ तक उठ रहा है, सर में अगर जूं, इधर देखिए सर में अगर जूं पड़ा हुआ है, खुजलाने के लिए भी हाथ का मूवमेंट हो रहा है, इधर देखिए ऐसे कर रहे हैं तो क्या है मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हैं तो क्या है लोकोमोशन, बात ख़त्म। इधर देखिए चौथी बात भी देख ली, नर्वस टिश्यूज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, समझ में आ रही बातें, कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे तो जैसे आसमान में ऐसे रोज आती, रोज नहीं कमाती हैं, रोज तो कमाती है बेटा तुमको। कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटी के लिए न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम होता है, याद रखिएगा न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम देखो, इधर देखिए नर्वस सिस्टम प्लस सिक्रीशन के लिए इंडोक्राइन सिस्टम, समझ रहे हैं ना, ये दोनों कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, तब कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटी होता है, तब क्या होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है, हमारी बात समझे, तो ये बात कुल जानते रहिए, ये कोऑर्डिनेशन के लिए, हम आपको देख पा रहे हैं कोऑर्डिनेशन है, हम आपको सुन पा रहे हैं कोऑर्डिनेशन है, समझ रहे हैं ना, सिंस रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सो रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम,
स्टिमुलस को बाहर से रिसीव करना और उसके प्रतिक्रिया शो करना, रिस्पॉन्स शो करना, इसको हम क्या बोलते हैं? पता नहीं, सेंसेशन कहते हैं। बाह्य वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करना और उसके प्रति क्या करना, रिस्पॉन्स शो करना, ये क्या है? सेंसेशन है। वही कोऑर्डिनेशन है। वही क्या है? कोऑर्डिनेशन है। आँख, कान, मुंह, हाथ सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? एक दूसरे से क्या है, मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में। वो कौन करवा रहा है? नर्वस सिस्टम। अगर आपका हाथ जल रहा है, इधर देखिए, सामने देख रहे हैं, लैंप जल रहा है, तो लैंप पे हाथ लगाएंगे जलेंगे, तो देख कर आप जल रहे हैं, बोलिए ना। आपको पता है लैंप से जलेंगे ज़रूर, समझ रहे हैं ना? तो वो जलना स्टिमुलस है, और जो आप देख के जल रहे हैं वो क्या है? रिस्पॉन्स है कि आज अपनी उंगली जला लेंगे ताकि हमको कल से खाना न बनाना पड़े। महिलाएं बहुत चलाक होती हैं। अयोध्या देखो, करेंगे खाना बनाते 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 हल्का हल्का चीरा लगा लेंगे, हल्का सही से काट लेंगे हमारे हाथ से। अयोध्या देखो, बैंडो टिपका कर खाना नहीं बना पाएंगे। अब अगर कहीं दो तीन घर में दो तीन महिलाएँ हैं, दो तीन महिला में समझ रहे हैं, तो और बंटाधार है। दो तीन महिला मतलब एक छोटे भाई की, एक मझले भाई की, एक बड़े भाई की, तीनों अगर औरतें हैं और तीनों औरतें बैठ गई हैं और तीनों थोड़ा चंडाल टाइप की हैं, मतलब टाइप में भी एक अच्छी क्वालिटी होती है। अब वो सोच रहे कि हम न बना, वो सोच रहे हम न बना, वो सब सोच रहे हम न बना, क्या अंतर क्या करें? एक मिली बहुत जो चलाक टाइप में होगी, वो क्या करें, खाना बनाते बनाते हल्का चीरे लगा ले, उसके बाद उसमें बैंडेज चिपका ले, हमारा आओ हमारा हाथ कट गया, अब हम खाना नहीं बना पाएंगे, उसका जान बच गया। दूसरे की मिली क्या कि हमारा हमको बुखार है, हमारा शरीर सनसना रहा है, अब हमारा जो है नर्वस सिस्टम डाउन हो गया है, तो वहाँ दूसरी व्यवस्था बना लेगी। तीसरी की वाली कहेगी चलो तुम लोग सब व्यवस्था बना लो, हम खाना बना ही रहे भाई, कोई बात नहीं। वो सज्जन महिला है, वो सज्जन महिला है, खाना बनाया गया, जब खाने टाइम होगा तो कुल उठ जाएंगे, अब से जब उन्हें सनसना रहा तो उठ जाएगी, जैसे शैतान की तरह। और दूसरी जिन्हें हाथ कटा वो हाथ धो के आराम से आ जाए खाने के लिए। बड़ी बड़ी समस्याएँ होती है, महिलाओं का दिमाग कोई नहीं समझ सकता, वो खाली वही समझ सकती हैं, समझ रहे हैं ना? इरेज करें भाई। एक टीसी तो खत्म कर देंगे हम आपकी कृपा से, आज एक टीसी आज खत्म कर दे रहे हैं। क्या हो रहा है? देखो इधर, इधर देखिए, पहला ईपी एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है क्या करता है? सरफेस कवरिंग बनाता है ऑफ द बॉडी। अब वो कैसा होगा, एक्सटर्नल या इंटरनल सरफेस? एक्सटर्नल या इधर देखिए, कौन सरफेस हो सकता है? एक्सटर्नल सरफेस बनाएगा या इंटरनल सरफेस बनाएगा, ये सब आपको बता चुका हूँ। इंटरनल सरफेस बनाएगा, बात समझ रहे हैं ना? एक्सटर्नल इंटरनल सरफेस बनाएगा। इसके बाद ये देखिए किसके लिए होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए होगा, बता चुके पहले ही, एब्जॉर्प्शन के लिए होगा, रीएब्जॉर्प्शन के लिए होगा, रीएब्जॉर्प्शन के लिए
सिक्रीशन के लिए, एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए, एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए, बता चुका हूँ पहले ही, बात समझ रहे हैं ना। और प्रोटेक्ट भी करता है, अगर स्किन है तो प्रोटेक्ट भी करेगा, स्किन फार प्रोटेक्शन भी होता है, बोलिए ना, प्रोटेक्ट भी करेगा। अब ये दो प्रकार के होते हैं, इरेज करें, अरे भाई लिखे तो रहे यार इसको, हो गया। आगे जो पढ़ना है इधर देखिए, हो गया एक्सटर्नल सरफेस इंटरनल सरफेस। नेक्स्ट कई प्रकार के हैं, एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं दो प्रकार का है, कई प्रकार का है, पहला आप जान लीजिए, देखिए पहला थोड़ा उदाहरण लिखेंगे तब सही होगा। पहला है सिंपल एपिथेलियम, एपिथेलियम। दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। इधर देखो सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, ये क्या लेयर का बना होगा, सेवरल लेयर का बना होगा। ये किसका बना हुआ होगा, सिंगल लेयर का बना होगा, याद रखिएगा यही अंतर खाली है, ये सिंगल लेयर का बना होगा और सेवरल लेयर का बना हुआ होगा, ठीक। अब सिंपल एपिथेलियम को डिवाइड किया गया है तीन में, इसको आके उका अम्मा हिया देखो, इधर देखो, परेशानी है कुछ, कुछ परेशानी बताओ, स्क्वैमस एपिथेलियम है ये, स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा है, पहला है ये, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर में ई है कि ये है, देखो जरा ए है कि है, कॉलमनर, ये कन्फ्यूज, हाँ कॉलमनर एपिथेलियम। देखो इधर तीन हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा, ये इधर देखिए ये कैसी होती हैं सेल, इसकी सेल, इसकी सेल, इसके सेल, इसकी सेल क्यूब लाइक होंगी, क्यूब लाइक सेल, इलांगेटेड सेल होंगी इसमें, इसमें कैसी सेल होंगी जानते हैं, सिलेंड्रिकल सेल हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल सेल हो सकती हैं, ऐसे देखेंगे ऐसे, और ये क्यूब लाइक होंगे, क्यूब मतलब होता है यार देखो जिसको चार भुजाएं बराबर हो, ये देख रहे हैं ये कौन है, ये वाला, ये कौन है, ये वाला सिलेंड्रिकल, और ये जो होती हैं ऐसे होती हैं, सब देख फिगरवा देख के कोई पूछ लेगा फंस जाएंगे आप। और इसका न्यूक्लियस जो होगा बेस की तरफ होगा,
न्यूक्लियस किधर की तरफ होगा? बेस की तरफ होगा। न्यूक्लियस किधर तरफ हो सकता है? बेस की तरफ। ये कौन है? इलांगेटेड सेल का बना होगा। बोलिए ना, नहीं समझ में आई बात? सिलेंड्रिकल हो सकता है, क्यूब, क्यूब मतलब घन होता है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और एक ऊपर वाली भी भुजा बराबर हो, घन इसको बोलते हैं, क्यूब लाइक, समझ रहे हैं ना। और ये कैसे सिलेंड्रिकल या स्पिंडल शेप हो सकते हैं? और ये कैसे होंगे? टाल। ये इधर देखिए, अगर सीलिएटेड है, ये दो प्रकार की हो सकती हैं, सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड। देखो ये या माइक्रोविलाई भी हो सकता है इसमें, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं लेता। इसकी सेल की मेम्ब्रेन ऐसे भी हो सकती है, ये सीलिएटेड है, ये नान है, और ये सीलिएटेड है। इसका एग्जांपल केवल दो है, आप जान लीजिए आपकी बुक के अनुसार। आप बुक में केवल दो एग्जांपल दिया हुआ है और दो ही एग्जांपल मैं बता भी रहा हूँ आपको। पहला है लंग एल्वियोलाई में, देख लीजिए बुक, आप बुक देख लीजिए उठा के, एंड ब्लड वेसल की एंडोथेलियम, एंडोथेलियम तो अंदर वाली लाइन, समझ रहा है ना, इसको एमएस एपिथेलियम को बना होता है, याद रखे ओके। बाउमेंस कैप्सूल भी होता है लेकिन वहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। बोलिए इसका मतलब किसके काम आती है? ये किसके लिए? एक्सचेंज और किसके लिए? गैसेस एक्सचेंज के लिए। बोलिए ना, एक्सचेंज के लिए याद रखिएगा इसको। इसमें क्यूबॉडल एपिथेलियम ये कहाँ पाया जाता है? पीसीटी में पाया जाता है। एग्जांपल इसका है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ किसके? नेफ्रॉन। ये बाउमेंस कैप्सूल में पाया जाता है, वो भी जान लिया हम, पढ़ाएं बहरहाल आपको। इस बाउमेंस कैप्सूल में एक हमारी तरफ से पढ़ लीजिए, मान लो आई जाए, बोलिए ना, ये पीसीटी में पाया था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और कहाँ पाया जाता है? डीसीटी में भी पाया जाता है। बोलिए ना, पीसीटी और डीसीटी में पाया जाता है। काम इसका क्या होता है? फंक्शन भी पूछता है आपसे, इसका क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन और एंड सिक्रीशन भी कर सकता है। ऊपर वाले में एक्सचेंज के लिए है, कहीं पे लिख लीजिए एक्सचेंज, एक्सचेंज या डिफ्यूज़न, सरफेस एरिया बनाता है किसके लिए? डिफ्यूज़न के लिए। और ये किसके लिए? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए। जैसे आप जानते होंगे किडनी सिक्रीशन का भी काम करता है। तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम इधर देखिए, एग्जांपल है इसका स्टमक, इंटेस्टाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिक्रेट नहीं करता एंजाइम एंजाइम और एब्जॉर्प्शन करता। इतना अगर आप सिक्वेंस पढ़ने गए तो आपका टिश्यू क्या हो गया? फिनिश हो गया। नहीं, अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी चलता है, चलेगा नहीं भी दौड़ेगा। हो गया, आप देखो
हो गया तक। इसमें से देखिए इधर, इसमें से क्यूबॉइडल सेल और कॉलमनर सेल्स मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, ग्लैंड सेल में। किसमें मॉडिफाइड हो जाती हैं, ग्लैंड। इधर देखो, ग्लैंड सेल में। अब ग्लैंड सेल में दो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे एग्जांपल, एक लाइन की बात खाली, गॉबलेट सेल, ऐसे आपको याद करना है, गॉबलेट सेल। और मल्टीसेलुलर में जैसे सालिवरी ग्लैंड, ये तो उसके आधार पर डिवाइड किया गया है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। फिर इस ग्लैंड सेल को डिवाइड किया गया दो भागों में, एक्सोक्राइन और, हाँ यार ये भाई समझो तो, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में। दोनों पर हो सकती, याद रखिएगा ये दोनों, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में जैसे ये डक्टेड ग्लैंड होती हैं, कौन होती हैं, डक्टेड ग्लैंड। और ये एग्जांपल इसका जैसे सैलिवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, कुछ भी होगा। इसका एग्जांपल है, ये डक्टलेस ग्लैंड है, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको एग्जांपल, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ गई बात, बोलिए ना, नहीं समझ में आया, चक्कर पड़ गए हैं। जो मैं बता रहा हूँ, क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों मॉडिफाइड होते हैं किसमें, ग्लैंड सेल में। ग्लैंड सेल इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन, क्या काम करेगा। और ग्लैंड सेल या तो यूनिसेलुलर होगा तो गॉबलेट सेल कहेंगे, बुक में पढ़िए आप। यूनिसेलुलर है तो कौन होगा, ये देखिए, यूनिसेलुलर तो गॉबलेट सेल है, और मल्टीसेलुलर है तो सैलिवरी ग्लैंड। समझ में आ रहा है कुछ है, करे कुछ नहीं आ रहा है, टकला छिला दे तो वो नहीं समझ में आ रहा है। एक्सोक्राइन डक्टेड ग्लैंड जैसे सैलिवरी ग्लैंड, इंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड। हो गया, इसमें से कुछ कोशिकाएं सीलिएटेड भी हो जाती हैं, नाम सुने हैं ना, इसमें कुछ कोशिकाएं कैसे हो जाती हैं, सीरिएटेड हो जाती हैं। तो सीरिएटेड कहाँ होते, जैसे ब्रांकियोल में, ब्रांकस में, ब्रांकियोल में, और फैलोपियन ट्यूब में। बोलिए क्या परेशानी है, फैलोपियन ट्यूब में, नहीं समझ में आया। वजह संभवतः इस बारी वाला है, निकल गया है, अगर निकल जाएगा अभी तो गूगल सर्च कर देखिए, उसमें हो सकता आ जाए। बारह फिर पढ़िए, देखा जाएगा, जब पढ़ेंगे पूरा पढ़े रहेंगे तो बाद में काम करेगा ही। हो गया, फिर समझ लीजिए आप, अभी मैंने सिंपल पिथिलियम पढ़ाया, इधर देखो
सिंपल एपिथेलियम तीन प्रकार का है, स्क्वा क्यूका क्यू, इधर देखिए स्क्वा क्यूका, स्क्वा क्यूका, स्क्वैमस एपिथेलियम सिलेंड्रिकल, बोलिए ना का क्या दिया हुआ है, और कहाँ पाया जाएगा ये, लंगुलाई में, ब्लड वेसल के किस में, एंडोथेलियम, एग्जाम्पल बाउमेंस कैप्सूल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाए, क्यूबॉइडल होगा पीसीटी और डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, बोलिए स्टमक और इंटेस्टाइन में, ये स्टमक और इंटेस्टाइन अलग मत समझ लीजिएगा इसको, स्टमक इंटेस्टाइन में, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, इधर देखो इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में, ये क्या का सरफेस कवरिंग बनाता है एक्सचेंज के लिए, बात समझ रहे हैं, और देखो इसके बाद फिर जो है क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम को ये मॉडिफाइड हो जाती है कुछ किस्में, ग्लैंड सेल्स में, जो ग्लैंड सेल मॉडिफाइड होती हैं तो ग्लैंड सेल में दो प्रकार का हो सकता है, या तो एक कोशिकीय होगा यूनिसेलुलर, तो होगा गॉबलेट सेल, खाली इतना याद है करना है, यूनिसेलुलर क्या है, गॉबलेट सेल, और मल्टीसेलुलर कौन है, सलिवरी ग्लैंड हो सकता है आपका, सलिवरी ग्लैंड हो सकता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्वेट ग्लैंड हो सकता है, ढेर सारी हैं, और ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन है, इधर देखिए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, अगर डक्टेड ग्लैंड है, नलिका में अपना सिक्रीशन छोड़ता है नलिका के द्वारा, जैसे सलिवरी ग्लैंड, तो वो क्या है, एक्सोक्राइन, अगर वो उसमें नलिका भी नहीं, उसमें डक्ट नहीं है तो क्या होगा, जैसे एंडोक्राइन पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ढेर सारे ग्लैंड है, वो सब पढ़ाया हुआ हूँ मैं, और ये सीरेट एपिथेलियम, ये इधर देखिए कुछ कोशिकाएं मॉडिफाइड सीरेट एपिथेलियम में, ये क्या है, ब्रांकियोल ब्रांकाई में, फेलोपियन ट्यूब में, सिलिया पाया जाता है, ठीक है, अगला हैंड है दूसरा, इसमें एक लाइन की बात है, ये हुआ, बोलिए इरेज करें इसको, एक शब्द वहाँ पे दो लाइन लिख दें, कंपाउंड एपिथेलियम, इसको आज खत्म ही कर देंगे, एक देखो इधर, ए इधर देखो, कंपाउंड एपिथेलियम दो प्रकार की होती हैं, सुनो कंपाउंड एपिथेलियम दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं स्ट्रेटिफाइड और एक होता है ट्रांजिशनल, फिर आवाज आ रहा है, पिटबो करेगा भैया तुम्हें, ये वियरिंग और टियरिंग यहाँ पर ज़्यादा होता है, इधर देखिए स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल मतलब तनने वाली कोशिकाएँ, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जैसे एग्जांपल के तौर पे है ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाएंगी यूट्रस में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी तनने वाली मतलब इलास्टिक नेचर की होंगी, ये बद्दू शब्द में हो जाए ख़त्म, ये स्ट्रेटिफाइड दो प्रकार का होता है, स्ट्रेटिफाइड में दो प्रकार का, एक केराटिनाइज्ड होगा, केराटिनाइज्ड जैसे स्किन, और नॉन केराटिनाइज्ड, बस यही ख़त्म हो गया, देखो नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड मतलब जो स्किन में केदर है केराटिन लेयर पाई जाती है, स्ट्रैटम कॉर्निया में, इधर देखो केराटिन लेयर, ये देखिए नॉन केराटिनाइज्ड कहाँ पाई जाती है बता दीजिए कोई, बक्कल कैविटी में, ये नॉन केराटिनाइज्ड है, हो गया, समझ में आया, मैंने कहा कंपाउंड एपिथेलियम कई लेयर का बना होता है, यह दो प्रकार का होता है स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल जो होता है तनने वाला होता है, यूट्रस पाया सकता है, यूटर पाया सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में, समझ रहे हैं ना, यूरिनरी ब्लैडर खाली याद कर तब तो वो याद हो जाइए, और इधर देखिए
स्टेटिफाइड जो होता है दो प्रकार, क्रिएटनाइज और नॉन क्रिएटनाइज। जैसे मैं पढ़ा दिया अगर ऐसे आपने दिमाग में रख लिया तो जिंदगी का क्वेश्चन छूट उठेगा नहीं, सब झमझमा क्वेश्चन करोगे। और क्रिएटनाइज में स्किन क्यों क्रिएटिन लेयर ऊपर है और ये बक्कल कैविटी की, ठीक है। अभी रेस कर देते हैं इसको, अब आप इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम कल।